কেবল ভাষণ রাখলেই কাম হবে না, রাজনীতিতে মাফিয়া অনুপ্রবেশ বন্ধ করুন। নামনা করে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবকে পরিষ্কার ভাষায় বার্তা ছড়ে দিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি মহারাজা প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মন। রবিবার কংগ্রেস ভবনে আহত সাংবাদিক সম্মেলনে দুই কেন্দ্রে দুই কংগ্রেস প্রার্থীদের দুই দিকে বসিয়ে পিসিসির সভাপতি জানান, সভাপতির দায়িত্ব নিয়ে পড়েছিলাম, কংগ্রেসে মাফিয়াদের স্থান নেই, এখন দেখছি সিপিএম এর মাফিয়ার বিজেপি দলে যোগ দিয়ে কংগ্রেস কর্মী সমর্থকদের উপর হামলা শুরু করেছে। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি এদিনও জানান, নতুন রূপে সেজে উঠেছে রাজ্য কংগ্রেস, যার কংগ্রেসে যোগ দিতে চান তাদের সসম্মানে স্বাগত জানানো হবে। जो भी सीपीएम में क्रिमिनल्स थे, माफियाज थे, वो आज बीजेपी ज्वाइन करके सीपीएम कांग्रेस वाले को ही अटैक कर रहे हैं। ये स्टेट के लिए बहुत खराब है। मुख्यमंत्री होम मिनिस्टर भी है, सिर्फ भाषण देने से नहीं होगा। जो क्रिमिनल्स किसी के ऊपर भी हमला करे, आज मीडिया के ऊपर भी दबाव है, मैं जानता हूं मीडिया में बहुत लोग चुप रहते हैं, कभी दबाव रहता है, विज्ञापन नहीं देकर दबाव रहता है, कभी कहा जाता है रात में फोन आता है और वो कहते हैं कि आप ऐसा स्टोरी करो वैसा स्टोरी करो, ये दबाव मीडिया के ऊपर भी है। ये बहुत खराब कल्चर है, ये बहुत खराब एनवायरनमेंट है। मैं आपके थ्रू बहुत अच्छे लोग हैं बीजेपी में, आज भी मैं उनको समझाना चाहता हूँ कि ये पॉलिटिक्स ऑफ इंटिमिडेशन बंद कीजिए। यही बात सुमन बाबू कह रहे थे, यहाँ की प्रज्ञा जी ने कहा है एक नया चरण में हमको नए चेहरे चाहिए जो कांग्रेस में जुड़ेंगे। और एक मैंने कहा था कि जो भी कांग्रेस में जुड़ना चाहता है उनको सम्मान दिया जाएगा और हम सम्मान देकर उनको एक अवसर भी देंगे कि कांग्रेस जो नया कांग्रेस निकलने वाला है, आपकी मीडिया से भी आप अगर जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़िए,